राधे राधे। आज हम राधा कुंड और श्याम कुंड दर्शन करने के लिए आए हैं। ये राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन जी की परिक्रमा में स्थित हैं। जब आप गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं और छोटी परिक्रमा में आते हैं, तो उस छोटी परिक्रमा में राधा कुंड और श्याम कुंड है। राधा कुंड और श्याम कुंड के विषय में हमारे वैष्णव आचार्य गण इन्हें ब्रज का मुकुटमणि कहकर रेफर करते हैं, इन्हें ब्रज का मुकुटमणि कहते हैं। इतने पवित्रतम प्लेसेस हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। आज मैं आपके साथ इनके प्राकृतिक लीला कथा शेयर करूंगी। जय राधे। राधे राधे। अब मैं आपके साथ श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड की प्राकृतिक लीला कथा शेयर करती हूँ। जैसा हम जानते हैं कि कंस आए दिन किसी ना किसी असुर को, कृष्ण और बलराम को मारने के लिए भेजा करते थे। एक बार उन्होंने अरिष्टासुर को भेजा। जो अरिष्टासुर थे, ये बहुत बड़े बैल के रूप में थे। इतने बड़े बैल थे, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनका जो बैल के कमर पर जो डिल्ला होता है ना, जिसे हम्प बोलते हैं, वो हम्प इतना ऊँचा था कि बादल उस हम्प को पर्वत समझकर उसके आसपास मंडरा रहे थे। इन्होंने अपनी पूंछ हवा में उठा रखी थी अरिष्टासुर ने, और इस पूंछ के चारों तरफ भी बादल मंडरा रहे थे। और जब अरिष्टासुर चलते थे तो उनके खुरों से जमीन कांपने लग जाती थी, उसमें गड्ढे पड़ जाते थे और दरारें पड़ जाती थी। अरिष्टासुर की आंखें बिल्कुल लाल चमकीली आंखें, और इनके सींग बिल्कुल पहने नुकीले सींग, जिससे ये बांधों को चीरते और घरों को तहस नहस करते हुए चल रहे थे। जब ये चल रहे थे तो बीच में मलमूत्र त्यागते हुए भी चल रहे थे, और इनका रंभाना इतना जोर से था, उस रंभाने की गर्जना इतनी तेज थी कि जो गर्भवती स्त्रियां थीं और जो गर्भवती गाय थी, उनके गर्भपात हो गए। चरागाहों में जो पशु चर रहे थे, डोमेस्टिक एनिमल्स जो चर रहे थे, वो सब वहां से भाग खड़े हुए, सब भाग गए। जब ब्रजवासियों ने अरिष्टासुर को देखा, वो बिल्कुल घबरा गए, और वो घबराकर कृष्ण की तरफ दौड़े। कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़े। जब कृष्ण ने देखा कि सब ब्रजवासी इतना डरे हुए हैं और उनकी तरफ भागे चले आ रहे हैं, तो कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत। और फिर कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपने एक सखा के साथ अरिष्टासुर के सामने पहुंचे और अरिष्टासुर को ललकारते हुए बोला कि रे दुष्ट मूर्ख, तू इन ग्वालों को क्या डराता है, जब तुझे दंड देने वाला यहाँ उपस्थित है। जब अरिष्टासुर ने इस बात को सुना तो उसे क्रोध आ गया। फिर कृष्ण ने अरिष्टासुर को उकसाते हुए उन्होंने क्या किया कि अपने हथेलियों से अपने बाजुओं को जोर जोर से ठोका, जोर जोर से आवाज करते हुए ठोका इस तरह से। और फिर उन्होंने क्या किया, बड़े रिलैक्सिंग तरीके से अपने फ्रेंड के, जो उनका ग्वाल सखाते, उनके कंधे पे हाथ ऐसे रखा और बड़े आराम से अरिष्टासुर के सामने खड़े हो गए। जब अरिष्टासुर ने देखा ये बालक तो मुझसे डरा ही नहीं, तो उसे और क्रोध आ गया, और अरिष्टासुर ने अपनी लाल लाल आंखों से कृष्ण को घूरते हुए देखा, पर कृष्ण पे जैसे उसका कोई असर ही नहीं था। अब अरिष्टासुर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, अपने सींग जो थे उनके, उनको सामने करके और अपने पैर से, अपने खुर से जमीन को कुरेदते हुए, और वो जोर से कृष्ण पर झपटे। कृष्ण ने अरिष्टासुर के सींगों को ऐसे पकड़ लिया और उनको पीछे धकेला। अरिष्टासुर पीछे जाके गिरे। फिर वो हाँफते हुए और पसीने से तर बतर और भी अधिक क्रोध के साथ में कृष्ण पर झपटे। कृष्ण ने फिर अरिष्टासुर के सींगों को पकड़ा और अपने पैर से उनको जमीन पर गिरा दिया, और फिर उनको उठाकर ऐसे पटका जैसे कोई धोबी कपड़ा पटकता है। फिर कृष्ण ने अरिष्टासुर के सींग को उखाड़ लिया और उस सींग से तब तक पीटा जब तक अरिष्टासुर ने अपने देह को त्याग नहीं दिया। अरिष्टासुर खून की उल्टी करते, अपनी आंखें पलटते, पैर पटकते और मलमूत्र त्यागते, उन्होंने अपने प्राण यहाँ पर त्याग दिए। देवी देवताओं ने, जब अरिष्टासुर का वध हो गया, तो देवी देवताओं ने कृष्ण पर पुष्प वर्षा की। फिर कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में, बलराम जी के साथ में, और हंसते गाते नाचते और खूब अपना गांव की तरफ चल दिए। फिर कृष्ण पहुंचे गोपियों के पास। अब वहां पर गोपियां जो थी वो आपस में बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि देखो, जो कृष्ण है ये ब्रजराज नंदन है, नंद महाराज के पुत्र है, और जब राजा कोई अपराध करता है तो उसका जो पाप होता है वो प्रजा में भी संचारित होता है। तो भाई, ये जो बैल को जो कृष्ण ने मारा है, जो असुर था, पर था तो बैल, था तो गौवंशी ना, तो ये पाप तो हमें भी संचारित हो गया। अब हमें इसका उपाय के लिए हमें पौर्णमासी जी के पास जाकर हमें जिज्ञासा करनी होगी, उनसे पूछना होगा। और इस बात को वो जान बूझ कर इतना जोर जोर से बोल रही थी, कृष्ण को सुना सुना कर बोल रही थी।
फिर जब राधा रानी ने कृष्ण की तरफ देखा तो राधा रानी ने कृष्ण से कहा, दूर रहो, मुझे छूना मत। तो कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि अरे क्या तुम्हें ये नहीं पता कि वो बैल एक असुर था? तो फिर राधा रानी ने कहा कि देखो, जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, वृत्रासुर जो कि ब्राह्मण था, ब्राह्मण पुत्र था, तो क्या इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगा था? तो क्या तुम्हें ये जो बैल जो असुर था, पर था तो बैल ही था, तो गौवंशी, तो क्या तुम्हें गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा? अब जब कृष्ण ने इस बात को सुना तो बिल्कुल उनके पास अब कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल निरुत्तर हो गए। और फिर उन्होंने राधा रानी से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? बड़ा हम्बल तरीके से, बड़ा रिक्वेस्ट करते हुए राधा रानी से बात पूछी, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब राधा रानी ने कहा, देखो जैसा हमने पौर्णमासी देवी से और गार्गी जी से सुना है वैसा हम तुम्हें बता सकती हैं। तुम्हें अब तुम्हें त्रिभुवन के सारे तीर्थों में जाकर स्नान करना होगा, तभी तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। अब जब कृष्ण ने इस बात को सुना तो कृष्ण ने बड़ा गर्व के साथ में बोला, मैं भी त्रिभुवन के सारे तीर्थों में जाऊंगा, मैं सब तीर्थों को यहीं बुला लूंगा। और ये कहकर कृष्ण ने अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को जोर से जमीन पर पटका और वहां पर उनके एड़ी के प्रहार से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, एक बड़ा सा कुंड बन गया, और उस कुंड में पाताल की भगवती गंगा नदी का जल उस कुंड में आ गया। फिर कृष्ण ने त्रिभुवन के सारे तीर्थों का यहाँ पर आह्वान किया और उस कुंड में सभी तीर्थ आ गए, सबके तीर्थों के जल से वो कुंड भर गया। फिर कृष्ण ने सखियों की तरफ देखकर बोला, गोपी की तरफ देखकर बोला कि देखो तुम भी यहाँ इन सब तीर्थों के दर्शन कर लो। तो गोपियों ने कहा कि हमें तुम्हारा तनिक भी विश्वास नहीं है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा हमें दिखाई तो दे नहीं रहा। जब गोपियों ने ये बात बोली तो जो सब तीर्थ थे उस कुंड के जल में, सबके सब वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रकट हो गए और उन सब ने अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि मैं शोण नदी हूँ, मैं अमर दीर्घिका हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं लवण सागर हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं रेवा हूँ, मैं सरयू हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं प्रयाग हूँ, मैं पुष्कर हूँ। इस तरह से एक एक करके सबने अपने अपने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया सब तीर्थों ने। फिर कृष्ण उस जल में, उस कुंड में गए, उन्होंने स्नान किया और फिर जब वो स्नान करके बाहर निकले तो बड़े गर्व के साथ, बड़े अखड़ बनकर बाहर निकले और उन्होंने गोपियों की तरफ देखकर बोला कि देखो मैंने तो सब तीर्थों के जल में स्नान कर लिया, पर क्या तुमने कभी कोई धर्म का कार्य किया है? अब इस बात को सुनकर राधा रानी ने अपनी सखियों से कहा, अब हम अपने एक सरोवर का निर्माण करेंगे, अब हम अपना एक सरोवर बनाएंगे। फिर उन्होंने देखा कि जो कृष्ण कुंड था, जो श्याम कुंड था, उसके पश्चिम में अरिष्टासुर के खुर से एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। तो गोपियों ने, श्रीमती राधा रानी ने उस गड्ढे से, जो मुलायम दलदल थी, अपने हाथों से उस दलदल को निकाल निकाल कर बाहर फेंका, उसमें से जो मिट्टी के डले थे उनको बाहर निकाल निकाल कर फेंका और थोड़ी ही देर में वहां एक बहुत सुंदर कुंड बन गया। जब कृष्ण ने उस कुंड को देखा तो कृष्ण बिल्कुल विस्मित रह गए और कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि हे कमल नयनी, तुम अपने इस कुंड को मेरे कुंड के जल से भर लो। तो राधा रानी ने बिल्कुल तुनक कर कृष्ण को जवाब दिया, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा ये जो कुंड है ये तो गौ हत्या के पाप से दूषित है। मैं अपने असंख्य सखियों के साथ में मानसी गंगा का पवित्र जल सैकड़ों सैकड़ों घड़ों में भर कर लाऊंगी और अपने इस कुंड को भरूंगी। फिर जब उन्होंने ऐसा बोला राधा रानी ने, तो कृष्ण ने जो उनके कुंड में जितने भी तीर्थ थे उनको इशारा किया, सभी तीर्थ वहां पर राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपने नेत्रों में अश्रु भरकर वो राधा रानी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, आपकी महिमा तो कोई नहीं समझ पाता, जो सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं वो भी आपकी महिमा नहीं समझ पाते, ब्रह्मा शिव नारद आदि भी आपकी महिमा को नहीं समझ पाते, आपकी महिमा को तो सिर्फ एक कृष्ण ही समझ पाते हैं, उसे जान पाते हैं। श्री कृष्ण आपके चरण कमलों को सुंदर महावर से सजाते हैं और वो अपने हृदय में तरह तरह के भावों से भर कर आपके चरणों को सुंदर रत्नजड़ित नुपुरों से सजाते हैं। जो श्री कृष्ण है आपके चरणों और वो नित्य आपके चरणों का ध्यान करते हैं, जब आप उन्हें अपने एक नयन कटाक्ष से देख लेती हैं तो अपने आप को परम धन्य समझते हैं। उन श्री कृष्ण के आदेश पर हम इस कुंड में उपस्थित हुए हैं। जब राधा रानी ने इस बात को सुना तो राधा रानी मुस्कुराई, प्रसन्न होकर उन्होंने तीर्थों से कहा
कि आप मुझे बताएं आपकी क्या इच्छा है। तो तीर्थों ने राधा रानी से कहा कि आप हमें अपने कुंड में वास करने का आज्ञा दें, इसी से हमारा तीर्थ नाम सफल होगा। तो राधा रानी ने मुस्कुरा कर श्री कृष्ण की तरफ कनखियों से देखा और फिर उन्होंने तीर्थों को अपने कुंड में आने का आज्ञा दी। उनसे कहा आप यहाँ पर आ जाएं। राधा रानी की इस बात को सुनकर सब सखियों ने भी अपनी सहमति दी। फिर तीर्थों ने उल्लास से भरकर श्री श्याम कुंड और श्री राधा कुंड के बीच की जो दीवार थी उसको फोर्सफुली तोड़ दिया और श्री श्याम कुंड का जल राधा कुंड में भी आ गया और ये भी उस जल से भर गया, तीर्थों के जल से भर गया। इस तरह से श्री श्याम कुंड और राधा कुंड प्रकट हुए। अब राधा कुंड को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा ये जो कुंड है ये मेरे कुंड से अधिक महिमा वाला होगा। मैं यहाँ पर नित्य आऊँगा, यहाँ पर स्नान करूँगा और इसमें जल क्रीड़ाएँ करूँगा। तुम्हारा ये कुंड मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होगा। राधा रानी ने श्री श्याम कुंड के लिए कहा कि आपका जो ये कुंड है, उन्होंने इस श्याम कुंड को अरिष्ट मर्दन कुंड कहकर रेफर करते हुए कहा कि आपका ये अरिष्ट मर्दन कुंड मुझे अति प्रिय होगा। मैं अपनी सखियों के साथ यहाँ एवरीडे आऊँगी और स्नान करूँगी और जो भी भक्ति भाव से इस कुंड में स्नान करेगा या इसके आसपास वास करेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय होगा और मेरी कृपा का पात्र होगा। इस वार्तालाप के बाद श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ने कुंडों के तट पर रास उत्सव किया। उस रास उत्सव में श्री कृष्ण घने बादलों के समान दिखते थे और राधा रानी उन बादलों में समाई बिजली के समान नजर आती थी। सारा वातावरण में जैसे कि आनंद रस धारा बरस रही थी। इस तरह से श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ने श्री राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा का, उसकी कीर्ति का इस जगत में प्रचार किया। इतने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड। जय राधे। राधे राधे। अभी जो हमने कथा सुनी उसे मैंने आपको बताया कि किस तरह कृष्ण कुंड का जल यानी श्याम कुंड का जल और जो पवित्र नदियाँ तीर्थ स्थल थे उन्होंने बीच की जो पेरिफेरी थी श्याम कुंड उसको तोड़कर फोर्सफुली वो सारा जल ये वो जल यहाँ पर जल ने इसको राधा कुंड को भी भर दिया, यहाँ पर लबालब भर गया उस जल से। तो ये वो जगह है जहाँ हम इस टाइम है, ये संगम है राधा कुंड और श्याम कुंड का, यहाँ पर ये संगम स्थल ही है। जय राधे। राधे राधे। जिस समय अरिष्टासुर यहाँ पर आए थे वो संध्या का समय था, ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम था और जब तक राधा कुंड प्रकट हुए तब तक मिडनाइट हो चुकी थी। और राधा कुंड जिस दिन प्रकट हुए वो दिन था कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे हम आज बहुलाष्टमी के नाम से जानते हैं। जय राधे।